अरे भाई अब साइड में लगा लो ना यार, आपकी वजह से इतना लंबा जाम लगा हुआ है। ओ भाई ओ, क्यों साइड में लगा लूं मैं? हैं साले, गाड़ी ठोक दी मेरी नई की नई, जब तक ये हरजाना नहीं देगा ना गाड़ी नहीं हटाऊंगा मैं। पापा पापा जल्दी चलो, मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है यार, जल्दी चल ले। क्या करूं बेटा, जाम लगा हुआ है। अरे अभी नहीं पहुंचा इंटरव्यू के लिए मम्मी, जाम लग रखा है। ये कोई आने का टाइम है? सॉरी मैम। कोई सॉरी नहीं, जाओ। मैम पर पेपर। कोई पेपर नहीं है तुम्हारा, फेल हो तुम, जाओ। ये देखिए, जख्म तो गहरा है, थोड़ी देर पहले आ जाते आप तो मैं पट्टी लगा के काम चला लेता, पर अब तो टाके लगेंगे इसमें। हाँ बेटा, क्या? सर वो इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू तो बेटा बहुत लेट हो आप, पक्के खत्म हो चुके हैं, नेक्स्ट टाइम आना आप, ठीक है? पता है पापा क्या हुआ आज? आज क्लिनिक पे एक बच्चा आया था, उसके ना पैर में चोट लगी हुई थी। अब वो क्या हुआ कि जाम की वजह से इतना लेट हो गया कि उसको मेरे को टांके लगाने पड़े। आज मेरे ऑफिस में भी एक लड़का आया था इंटरव्यू देने, और काफी लेट हो गया था इसलिए मैंने मना कर दिया। मेरे स्कूल में भी एक बच्चा लेट आया था, लगता है जाम की वजह से लेट हो गया होगा, पेपर कैंसिल करना पड़ा बेचारे का। पापा गाड़ी ठुक गई यार आज। कैसे? अरे एक गधा ना स्कूटी से आ रहा था स्पीड में, ठोक दी साले ने पीछे से, लेकिन मैं ना उससे पैसे लेके आया हूँ, ये देखो। अब ठीक करा लेंगे गाड़ी खुद ही, छोटा सा स्क्रैच है। पहले ना बहस कर रहा था मेरे से कि पैसे नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, जा कर ले जो करना है, लेकिन मैं भी फिर लड़ गया उससे, पूरी रोड की रोड जाम करवा दी। मैंने कहा जब तक पैसे नहीं देगा साले जाने नहीं दूंगा तेरे को यहाँ से, लगन दिया जितना जाम लग रहा है देख लेंगे। अच्छा तो इन सबके जिम्मेदार तुम हो? जाम लगने से परेशान कोई और नहीं होता, हम लोग ही होते हैं, और अधिकतर बारी जाम हमारी वजह से होता है।